विंध्या शुक्ला के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। किसके पेट में असली बच्चा पल रहा है और किसके पेट में धोखा, ये तो आज ही पता चल जाएगा। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। विंध्या शुक्ला के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। किसके पेट में असली बच्चा पल रहा है और किसके पेट में धोखा, ये तो आज ही पता चल जाएगा। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। विंध्या शुक्ला के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पायल ने जलाया विंध्या का हाथ, क्रिश हुआ पायल पे गुस्सा। तो भाई हमने देखा सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से जो पायल है ना अपनी नई नई चाल चलती जा रही है और विंध्या को परेशान कर रही है। हमने देखा था भाई छठ पूजा होती है और वहां पर वो तेल गिरा देती है और उसे लगता है कि विंध्या गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो इंदु गिर जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहां पर वो इंदु बच जाती है। कहीं ना कहीं पायल को लग रहा था कि विंध्या हॉस्पिटल जाएगी और यहाँ पर जो प्रेगनेंसी का उसका झूठ है वो पर्दाफाश होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि भाई जिस सेम हॉस्पिटल में इंदु एडमिट होती है वहां पर भी एडमिट होती है अपने अबॉर्शन के लिए। और यहाँ पर विंध्या और पंकज जाते हैं उसको समझाने के लिए। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आता है कि नहीं, वो मानती नहीं, वो कहती है कि नहीं मुझे तो अबॉर्शन कराना है। लेकिन बाद में ना विंध्या का इस तरीके का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि विंध्या भाई उसके सपनों में आने लगती है जब वो अबॉर्शन के लिए जाती है हॉस्पिटल में। और यहाँ पर विंध्या कह रही है तुमने मार दिया ना बच्चे को और तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो, तुम क्यों मार रही है अपने बच्चे को, इतना छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है और इसको तुम्हें मारना नहीं चाहिए। और ये सब चीजें ना उसके समझ में आ जाती है, वो इमोशनल हो जाती है और फिर वो आती है और पंकज के गले मिलती और कहती है कि भाई मैंने गलत किया और मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और यहां पर वो बिंदिया से भी माफी मांगती है, वो कहती है बिंदिया भाभी मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला और आप मेरी इतनी सारी फिक्र कर रही थी और सॉरी उसके लिए। और यहां पर हम देख रहे हैं जो क्रिश के पापा है ना वो भी जानते हैं कि भाई वो प्रेग्नेंट है और यहां पर वो चारों लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं पायल के खिलाफ। निधि बोलती है कि चलो अब हम पायल का पर्दाफाश करते हैं और चलते हैं, सब घर वालों को बता देते हैं, क्रिश को बता देते हैं, मम्मी को बता देते हैं। लेकिन यहां पर बिंदिया उसको रोक लेती है। बिंदिया कहती है तुम्हें पता नहीं कि जो पायल है ना वो बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है और वो कुछ भी ऐसा करके ना तुम्हें झूठा साबित कर देगी, तो अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे। और फिर हम देख रहे भी क्रिश भी आ जाता है, उनको देख लेता है और क्रिश कहता है तुम लोग यहां पर कैसे हो और बिंदिया तुमने तो कुछ खाया नहीं है और तुम तो कह रही थी तुम किसी की मदद कर रही हो। तो क्रिश के बाबा थोड़ा सा बचा लेते, कहते हाँ वो निधि की मदद करने आई थी। और यहां पर वो चारों लोग चले जाते हैं, लेकिन भाई कहीं ना पायल जो है वो सब देख रही होती है। तो पायल को लगता है आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं मेरे खिलाफ और यहां पर हो सकता है बिंदिया और जो निधि है ना वो एक दूसरे से मिल गए हो, तो अब मुझे संभल के रहना पड़ेगा। तो भैया पायल नया प्लान चलती है और यहां पर हम देख रहे हैं कि बिंदिया है ना सबको आरती दे रही है और दीपक जल रहा है और उसमें बहुत गर्म है वो दीपक, और वो अचानक से उसको धक्का देती है और जो पूरा दीपक का घी होता है ना वो उसके हाथ पर आ जाता है और उसका हाथ पूरा जल जाता है। और क्रिश बहुत गुस्सा करता है पायल के ऊपर, कहता है तुम्हें दिखता नहीं है तुम क्या कर रही थी ये। और यहां पर फिर वो उसका बिंदिया का हाथ पकड़ता है, उस पर बर्फ वगैरह लगाता है, उस पर दवाई लगाता है और उसको अपने हाथों से पानी भी पिलाता है, खाना भी खिलाता है। और यहां पर तो भाई कुछ उल्टा ही हो जाता है क्योंकि पायल ने सोचा था कि भाई इसका हाथ जलेगा तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसकी जो प्रेगनेंसी का झूठ है वो मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई वो बिंदिया के क्रिश और करीब आ गया है, वो उसकी इतनी फिकर कर रहा है और जबकि उसको डांट भी दिया पायल को। तो भाई अब देखते हैं पायल क्या करती है, क्या वो निधि को डराएगी, क्या वो निधि को अब मोहरा बनाएगी, क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि निधि और बिंदिया एक हो गए, उसके समझ में तो आ गया है। तो हो सकता है कि वो निधि को थोड़ा सा परेशान करके ब्लैकमेल करके बिंदिया को घर से बाहर निकलवाए।